वादी भदरवाह की कुदरती खूबसूरती सयाहों को अपनी जानिब रागिब करती है और हर साल बड़ी तादाद में सयाह इन खुशनुमा मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इन तस्वीरों में सयाहों को यहाँ के नज़ारों को कैमरों में कैद करते देखा जा सकता है। साथ ही सब्ज़ार पर हर जानिब कूड़ा करकट भी नजर आ रहा है। माहिरीन माहौलियात ने इस पर तश्वीश का इजहार किया है। एक जानिब सयाह मौसर इंतजाम न करने का इंतजामिया पर इल्जाम लगा रहे हैं, वहीं इंतजामिया का कहना है कि सयाह माहौल को खराब कर देते हैं। माहौल को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी इंतजामिया और सयाहों दोनों पर बनती है और इसके लिए संजीदा इकदाम की जरूरत है। कूड़े का ढेर है, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ। जिस स्पीड से लोग आ रहे और कचरा फैला रहे, बहुत जल्द जो पूरे के पूरे जितनी हाई अल्टीट्यूड मीडोज हैं भदरवाह की, चाहे वो पदरी है, जाई है, गुलडंडा है, छतरगला है, भालपदरी है, ये सब की सब कचरे का ढेर बन जाएंगी और ये कभी ना हटने वाला कचरा होगा। जगह तो बहुत अच्छी लगी, जहाँ हम रहते हैं वहाँ क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा गर्म है, वहाँ के कम्पेरेटिव यहाँ हमें बहुत मजा आया और हमने खूब इंजॉय किया। लेकिन यहाँ के लोगों से भी अपील है और यहाँ के प्रशासन से भी हमारी अपील है कि यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखें। एनफोर्समेंट विंग बनाया है, प्लान कर रहे हैं कि अगर पॉसिबल हुआ तो हम वहाँ पर बीच में पुट द बैरियर्स कि अगर कोई पॉलीथीन लेके, कोई चिप्स के पैकेट लेके आता है तो वो वहीं पर रख के आएगा। उसी में डायरेक्शन दी कि हम बड़ी जल्दी कुछ ही दिनों में वहाँ बोर्ड लगाने जा रहे हैं कि दिस इज लिटर फ्री एरिया और जो भी जहाँ लिटर फैलाएगा, जो भी जहाँ प्लास्टिक को यूज करेगा उसे हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी।